मैं दारू पी रही हूँ। और भाभी ने दोनों की भारी भी लगा दी, तो अब घर जाने की तैयारी है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल नीतू नेगी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आजकल का मौसम ऐसा हो रखा है ना, मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मौसम भी अजीब सा हो रखा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही और ऊपर से ये आग भी लगी है, देखो पीछे भी आग लगी है, तो चारों तरफ धुआं सा हो रखा है, तो इसलिए अजीब सा मतलब बोरिंग सा लग रहा है। तो दोस्तों, अभी दिन के 11 बज रहे हैं, तो अब दिन के खाना बनने की तैयारी है। तो देखते हैं खाना कौन बनाता है, या तो कृष्णा बनाएगी या मैं ही बनाऊंगी, जो भी होगा। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तो चलो। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो खाना मौनी बना रही है। तो खाना खाने से पहले हम एक बार जूस पीते हैं, वो तो मैं डेली ही पीती हूँ। तो कृष्णा और ईसा बना रहे हैं जूस, तो मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे। तो ये है आंवले का जूस, ये ईसा लोगों ने बना रखा था, पहले इसको पीते हैं। दारू जनवास के लिए हुई दोस्तों, इससे लोगों ने आंवले का जूस बना रखा है, पर सच में मैं मजाक नहीं कर रही, इसका टेस्ट सेम दारू जैसा हो रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दारू पी रही हूँ, स्मेल भी ऐसी आ रही है इस पे, पता नहीं क्यों दोस्तों, सेम दारू वाली फीलिंग है, कुछ भी अलग नहीं है, ऐसा लग रहा है कि दारू ही होगी ये। और मुझे लग रहा है ईसा ने दारू ही लाखा मिक्स करके है ऐसा सेम वैसे ही लग रहा है थोड़ा सा भी, ये जूस का तो मतलब इसमें 1% भी नहीं लग रहा है कहीं से, या तो मुझे लग रहा है ये खराब हो गया होगा किसी कारणवश। दोस्तों जूस तो अच्छा नहीं हो रहा है, पर अब मैं यहाँ पे अंगूर ला गई हूँ, कुछ ना कुछ तो पीना ही है, मतलब या तो ठंडा कुछ खाना है या तो ठंडा कुछ पीना है, तो पीने के लिए तो नहीं है कुछ अभी, तो यहाँ पे अंगूर ला रखे हैं, तो ये दोनों बंदर जैसे लगे तो थोड़ी देर अंगूर खाते हैं, क्योंकि आज 3-4 दिन हो गए इन अंगूरों को, इन्होंने खराब होना है, तो इनको खाते हैं मोनिका बुलावा भी आ गया है कि बाहर खाने आ जाओ, तो अब हम भी चलते हैं खाना खाने। तो चलो ईसा आप उगोर जाओ बात कर, जो जो हमारे यहाँ पहुंचो, हमें यहाँ और बात करो और चाहते। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाओ खाना खाने, और हमारे भी पास सब तैयारी है खाने की, तो मौनी रख रही है सबके लिए खाना। तो दोस्तों ये रही मेरी थाली, ये है ईसा की थाली, ये कह की जीती है रे दोस्तों। एक छोट गई साक्षी, तो साक्षी आ रही होगी। हाँ हाँ, खाना तो हमने खा लिया और साक्षी की बारी है बर्तन धोने की।
तो साक्षी धोएगी बर्तन। दोस्तों खाना खा लिया और अब थोड़ी देर आराम करते हैं और शाम को देखते हैं फिर क्या होगा। जो भी होगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो चलो दोस्तों, मैं भी सो के अभी उठ रही हूँ और मैं तब उठी जब भाभी यहाँ पे आई। तो भाभी आई हैं और भाभी बोल रहे हैं कि बांझ के लिए जाना है, तो मैं भी जा रही हूँ, मतलब हम दोनों जाएंगे। तो चाय पीऊं बाद में बोला मैं, तो अभी पहले जाते हैं क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा, तो मतलब बारिश तो नहीं आएगी पर तूफान होता है तो बांझ काटने के लिए नहीं होता है। तो टाइम से जाएंगे और टाइम से आएंगे। तो चलो और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो चाय बड़े दो ब्रेक के बाद तो चलो दोस्तों, खेत में हम पहुंच गए और जहां हमको बांझ काटना है, मतलब हम वहां पहुंच गए और ये इधर हैं बहुत सारे बांझ के पेड़ हैं, मतलब हमारे ही खेत है और खेत में ही बहुत सारे पेड़ हैं, इधर को बहुत सारे पेड़ हैं। तो यहां देखते हैं और जो सबसे सरल पेड़ होगा तो वो हम ढूंढते हैं डेली। हाँ। क्योंकि मतलब ज्यादा ना भाभी जा पाते हैं ज्यादा पेड़ में और ज्यादा बड़े पेड़ में मैं भी नहीं जाती हूँ, हमको तो मालूम ही नहीं होता पेड़ काटना। तो मतलब हम छोटा छोटा पेड़ ढूंढते हैं डेली और लोग तो जंगल जाते हैं तो हम जंगल भी नहीं जाते हैं अपने ही खेतों में। तो अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ से देखेंगे कि कहाँ पे काटना है, इधर उधर कहीं भी। एक बात मैं आपको बताती हूँ कि डेली हमारे साथ यही सीन होता है जब भी मैं और भाभी बांझ के लिए आते हैं, तो ये चीज़ तो डेली होती है। जैसे मतलब ताई है जो भाभी की सास है, तो ताई हमेशा हमको घर से पेड़ बताती हैं कि वहाँ पे पेड़ है और वो पेड़ काटना है तुमको बांझ के लिए। तो और हम वहाँ से हाँ बोल के आते हैं कि ठीक है वही काटेंगे। और जब हम यहाँ पहुँचते खेत में तो ना भाभी को याद रहता है और ना ही मुझे याद रहता है कि हमने कौन सा पेड़ काटना है। फिर हम यहाँ पे सोचते रहते हैं कि कौन सा पेड़ बोला होगा, पता ही नहीं चलता। तो हमेशा ऐसी नौबत आती है कि हमको यहाँ आके ताई को कॉल करनी पड़ती है कि कुआं डाल काट हमेशा यही होता है। और अभी हम काफ़ी देर से सोच रहे हैं कि कौन सा पेड़ बोला था तो पता नहीं चल रहा है, तो अभी फिर से वही करना है, फिर से ताई को कॉल करनी है। और फिर ताई बोलती है कितनी बार समझो भगवान हो कितनी बार समझो। तो दोस्तों चलो मैं पहले ताई को कॉल करती हूँ, फिर मिलते हैं आपको। ये तो सुबह आया देखा। तो दोस्तों 5 बज रहे हैं और हमारा बांझ भी हो गया और भाभी ने दोनों की भारी भी लगा दी, तो अब घर जाने की तैयारी है। तो जल्दी से जाते हैं घर और कोशिश करेंगे कि अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि भाभी नीचे जाने से पहले चाय कृष्णा ने बना रखी होगी तो चाय पीने के लिए हम पहुँच जाए टाइम पर। तो अब जल्दी से जाते हैं और अब मैं यहाँ रास्ते में ब्लॉगिंग तो करूँगी नहीं, अब मिलेंगे आपको सीधे घर में टी ब्रेक के टाइम। चलो दोस्तों घर में पहुंच गई और भाभी भी चली गई है घर। तो भाभी लोग का घर रोड से नीचे है तो भाभी भी चलेगी और अंधेरा भी होने वाला है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप बने रहें नीतू नेगी ब्लॉग के साथ। बाय।